गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 3 इन फिजिक्स ऑफ क्लास 9th विच इज़ ग्रेविटेशन। ठीक है, आज के सेशन में ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके फिजिक्स के 3rd चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स में, और ये आपके हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर, हाफ ईयरली पोर्शन में ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में इस जो चैप्टर है उसमें केवल एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर का हाफ पोर्शन ही आज के सेशन में हम कवर करेंगे, क्योंकि जो हाफ पोर्शन बचेगा वो आपको एनुअल के सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, रेफरेंस बुक की अगर हम बात करें तो रेफरेंस बुक में ये चैप्टर नंबर 3rd है ग्रेविटेशन नेम से, और जो जिसको हमने कहा कि हम डिस्कस करेंगे एनुअल के पोर्शन में, वो फ्लोटेशन चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 4 आपके रेफरेंस बुक में दिया गया है। बट एनसीईआरटी में दोनों मर्ज करके एक साथ दिया गया है, बट उसको हम हाफ पोर्शन ही आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो इसके बारे में जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें आपने सुना होगा कि न्यूटन एक बार बागीचे में बैठे थे और उन्होंने देखा कि बागीचे में सेब जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये जब देखा कि ये सेब नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उनके दिमाग में ये बात आई कि ये सेब ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, ये टूवर्ड्स द अर्थ ही क्यों जा रहा है, अवे फ्रॉम द अर्थ क्यों नहीं जा रहा है। तो उन्होंने इस सेब को ऊपर की तरफ थ्रो किया, फिर वो कुछ ऊपर गया और अगेन जो आपका सेब था वो फिर से टूवर्ड्स द अर्थ आ गया। तो इससे उन्होंने देखा कि हो सकता है सेब में ही कुछ ऐसी बात हो जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने सेवरल थिंग्स, कई सारी थिंग्स जो को अलग अलग प्लेसेस पे सेम प्रोसीजर किया, कई सारी चीज़ों को वो ऊपर की तरफ थ्रो करते सारी चीज़ें जो होती थी वो नीचे की तरफ आ जाती थी। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ग्रेविटेशन का। तुम्हारे इनके दिमाग में ये बात आई कि कुछ तो ऐसा है, इस अर्थ के पास कोई तो ऐसी पावर है जिससे कि ये सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ग्रेविटेशन। अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टूवर्ड्स इट बाई एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो ग्रेविटेशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन एक तरह का क्या है, फोर्स जो कि अर्थ अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ, तो क्या ग्रेविटेशन को जो कॉन्सेप्ट है वो अर्थ पर ही केवल अप्लाई नहीं होता है, पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है। तो क्या एक लॉ बताया उन्होंने जिसे हम जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। तो लॉ क्या था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट बाई अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटेशन, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि न्यूटन जी ने बताया कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपने उसके पास में उसका जो नियरेस्ट या फिर किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है, चाहे वो प्लैनेट हो, स्टार हो, सैटेलाइट हो, ह्यूमन बीइंग हो, एवरीथिंग। पूरे यूनिवर्स में अगर एक डस्ट पार्टिकल है उसकी भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, यानी सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, ग्रेविटेशन है। लेकिन उनके लॉ में कुछ और भी कंडीशंस थे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ देम, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के मास का जो प्रोडक्ट होता है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के मास का जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। यानी मास अधिक होगा दोनों ऑब्जेक्ट का तो फोर्स भी अधिक होगा। वहीं अगर हम देखें तो एक बात उन्होंने और बताई कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। यानी
फोर्स जो है वो डिस्टेंस अधिक होने पर कम हो जाता है, और डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स अधिक होता है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली यानी कि वन अपान कर देंगे। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं आप देखेंगे, यहाँ हम फार्मूलेशन करते हैं। तो सपोज दैट लेट मासेस एम एंड कैपिटल एम एंड स्मॉल एम ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस डी अपार्ट, लेट एफ बी द अट्रैक्शनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। सपोज दैट हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास कैपिटल एम हमने लिया, दूसरे का मास स्मॉल एम ले लिया है। उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो ये फार्मूला आता है एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपान डी स्क्वायर। ये फार्मूला आया कैसे है इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो उनके स्टेटमेंट के ही अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पहले हमने लिखा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम इंटू एम। फर्स्ट लाइन में आप देखिए तो वहाँ पर आपको दिखाया गया ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, आप जानते ही हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो वन अपान डी स्क्वायर एफ इज। दोनों को अगर एक साथ हम मर्ज कर देते हैं तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू द एम इंटू एम अपान डी स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हमें हटाना होता है तो हम एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपान डी स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज अ कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ कैपिटल जी आपका कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता है, ओके। और इसे हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या इसके इम्पॉर्टेंस है ये भी आप देखिए। इट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ये हमें पृथ्वी के साथ जोड़े रखता है, अर्थ के साथ जोड़े रखता है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग हवा में उड़ रहे होते। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। जो हम जानते हैं कि एक नेचुरल सेटेलाइट अर्थ के पास है जिसका नाम मून है, तो उसके मोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, और सन के अराउंड सारे प्लैनेट जो रोटेशन करते हैं, मोशन करते हैं, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही है ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून कॉजेस टाइड इन सी ऑन अर्थ, ठीक है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ पर टाइड आता है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, जो कि समुद्र में होता है। ये 24 घंटे में एक बार होता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और हमें ध्यान देनी होगी कि फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है। When an object falls from any height under the influence of gravitational force only, it is known as free fall, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट से हम ड्रॉप करते हैं और उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। यानी उस पर कोई अनदर फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, ऊपर से आपको थ्रो नहीं करना है, केवल ड्रॉप करना है। तो जब आप ड्रॉप करते हैं तो आप उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, लेकिन जब आप थ्रो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से तो आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम ड्रॉप करते हैं तो फ्री फॉल पॉसिबल होता है, क्योंकि उस समय केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क करता है। लेकिन उसमें भी कंडीशनल है, अर्थ पर फ्री फॉल जो है वो उसके कम ही कंडीशंस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर
एयर रेजिस्टेंस भी वर्क करता है, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ के पास खुद का एटमॉस्फियर है और अर्थ के एटमॉस्फियर में कई सारे गैसेस हैं, तो वो गैसेस जो होते हैं वो एयर रेजिस्टेंस कॉज करते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल कराते हैं। ओके, लेट्स सी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है, ग्रेविटी के कारण एसिलेशन। आप देखिए, एक आप एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट अगर एक बहुमंजिला इमारत है, कोई हाई बिल्डिंग है, उस पर से एक बॉल को आप ड्रॉप करते हैं, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में जब आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, लेकिन जैसे जैसे वो टूवर्ड्स द अर्थ आता है, जैसे जैसे वो अर्थ के नज़दीक आता जाता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एसिलेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो वो एसिलेशन डेफिनेटली होगा, और क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, लेट्स सी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ देयर इज अ चेंज इन इट्स एसिलेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ओके, सो दिस एसिलेशन इज कॉल्ड एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी। द यूनिट ऑफ स्मॉल जी इज सेम एज द यूनिट ऑफ एसिलेशन विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है वो सेम एज एसिलेशन जैसी ही होती है, और एसिलेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जी। ठीक है, जी की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये हम यहाँ पर देखेंगे। फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसिलेशन। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में आपको याद होगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एसिलेशन होता है। ठीक है, फॉर फ्री फॉल एसिलेशन इज रिप्लेस्ड बाय एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर यहाँ पे हम फ्री फॉल करा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को ऊपर से थ्रो कर ड्रॉप कर रहे हैं, तो वहाँ पे एसिलेशन को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम उसी इक्वेशन को लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम जी, ए के जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, स्मॉल जी यूज करेंगे ए के प्लेस पर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। सेकेंड देखिए, बट फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, दोनों फोर्स की वैल्यू है तो दोनों को हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो एम जी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। बोथ साइड में स्मॉल एम है तो इसको कैंसिल आउट करा देते हैं, तो आ जाएगा स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। तो g क्या है, m क्या है, d क्या है, सब कुछ हम जानते हैं। वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। ठीक है, तो कैपिटल m क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ है। फॉर ऑब्जेक्ट नियर और ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ डिस्टेंस d इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। जैसे हम लोग अर्थ के सर्फेस पे ही रहते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ ही लिया जाएगा। ठीक है, दस स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, स्मॉल जी क्या है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि स्मॉल जी की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और कैसे। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर। ठीक है, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा या फिजिक्स में ही पढ़ा होगा कि जो अर्थ जो है वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं है,
वो थोड़ी सी फ्लैट है पोल्स पर, ठीक है, पोल पर थोड़ी सी फ्लैट है, जिसको हम लोग ऑरेंज शेप का बोलते हैं, नारंगी की जैसी अर्थ है, तो वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, तो उसकी रेडियस भी सेम नहीं होगी। रेडियस नहीं सेम होगी तो स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो वैरी करती है, क्योंकि अगर आप फार्मूले में देखेंगे तो जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टू द स्मॉल जी है। अब अगर कैपिटल आर यानी जो रेडियस है, रेडियस इंक्रीज करेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों में, ध्यान रखेंगे, रेडियस इंक्रीज करेगा तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और वहीं आपका अगर रेडियस डिक्रीज करता है तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो पोल पर रेडियस डिक्रीज करता है, रेडियस जो है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, तो पोल्स पर रेडियस छोटी है तो वहाँ पर जो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी होगा यानी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होगी। इक्वेटर पर रेडियस बिगर है, सबसे बड़ी है, तो वहाँ पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक, ओके। एज वी गो एट लार्ज हाइट वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, जब हम हाइट पर जाएंगे तब भी रेडियस इंक्रीज करेगी, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करेगा। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि सेंटर ऑफ द अर्थ पर अगर आपसे पूछा जाए अ प्लेस वेयर ग्रेविटेशन एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ज़ीरो, तो वो कौन सा प्लेस होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, अर्थ के सेंटर पर बिल्कुल एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो होती है, ओके। अब स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, अर्थ ले लिया, अर्थ पर एक बॉल है सपोज दैट, या फिर कोई मैन है, हम ही लोग हैं समझ लीजिए, तो स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू 6 × 10^24 केजी, एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 6.4 × 10^6 मीटर। वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करते हैं और जब कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली हमें वैल्यू मिलती है स्मॉल जी की, विच इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एसिलेशन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, और कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल जी एंड ग्रेविटेशनल एसिलेशन स्मॉल जी, इट्स वैल्यू इज 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू में तो डिफरेंस आप देख ही रहे हैं, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, तो ये वैल्यू 6.67 × 10^-11 हमेशा ये कांस्टेंट वैल्यू बनी रहती है, बट ग्रेविटेशनल एसिलेशन जो है स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो वैरी करती है, कभी 9.8 होती है, कभी उससे कम भी होती है, ठीक है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्केलर है, इसी वजह से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी होता है ग्रेविटेशनल एसिलेशन, इट्स वैल्यू रिमेंस कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होती है। अगर वहीं स्मॉल जी की वैल्यू आप देखेंगे तो इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग होती है, ज़रूरी नहीं कि बनारस में कुछ हो, बनारस में और इलाहाबाद में सेम हो, बनारस में कुछ और होगा तो इलाहाबाद में कुछ और होगा, लखनऊ में कुछ और होगा, दिल्ली में कुछ और होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल जी की वैल्यू देखने को मिल सकती है, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, अभी तक हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़े हैं, लेकिन अब हम स्पेशली बात करते हैं अर्थ की, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ें हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ विथ इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू,
सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ हम फॉल करा रहे हैं एंड ड्रॉप कर रहे हैं और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो स्मॉल यू है. लेट इट्स वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एसिलेशन स्मॉल जी चेंजेस टू वी आफ्टर कवरिंग द हाइट एच इन टाइम टी. तो अगर हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे आफ्टर टी टाइम वो एच डिस्टेंस यानी एच हाइट कवर करता है और इस पर स्मॉल जी एसिलरेशन वर्क करता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी हो जाता है. तो देन द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. तो जो प्रीवियस चैप्टर में हमने थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था वो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए पढ़ा था, सरफेस पे पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग हाइट के लिए पढ़ रहे हैं. तो उस इक्वेशन में कुछ हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं. जैसे देखिए यहाँ पर कि वेलोसिटी वी आफ्टर टी सेकेंड, अगर हम इस फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वी इज इक्वल टू यू प्लस जी एच टी. ठीक है, तो आप जानते थे, ये मिस्टेक है, यहाँ होगा वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. एच जो है वो यहाँ नहीं होगा, आप लोग इसे करेक्ट कर लेंगे क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, वही इक्वेशन यहाँ पर ए के प्लेस पर जी यूज कर लेंगे. तो यहाँ इक्वेशन आएगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फर्स्ट इक्वेशन को आप यहाँ चेंज कर देंगे, बाई मिस्टेक यहाँ एच आ गया है, आप लोग उसे मॉडिफाई कर देंगे. तो क्या लिखेंगे आप लोग, ओनली वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. ओके, सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, तो हम एस के जगह पे एच पुट कर देंगे और ऑब्वियस है कि आपका जो ए था वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन आपका हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच. ए एस के जगह पे क्या हो जाएगा, जी एच हो जाएगा. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज टेकन एज पॉजिटिव इन केस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स अर्थ एंड टेकन एज निगेटिव इन केस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अर्थ. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो ये पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए कि स्मॉल जी की जो है वो वैल्यू कब पॉजिटिव होती है और कब निगेटिव होती है, क्योंकि एसिलेशन वेक्टर क्वान्टिटी है तो उसकी वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से होती है. ठीक है, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो आप देखते हैं आप बहुत ही अधिक फोर्स अप्लाई करके जब उसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो कुछ सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, यानी कि वेलोसिटी उसकी डिक्रीज़ कर रही है. तो डिक्रीज़ वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब एसिलेशन भी डिक्रीज़ कर रहा है, यानी निगेटिव एसिलेशन. इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाएगा तो एसिलेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, और जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाएगा तो उसका उसके लिए एसिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ओके, लेट्स सी अनदर टर्म, मास. द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वान्टिटी ऑफ मैटर कंटेन इन. मास और वेट में यहाँ कन्फ्यूजन होती है, आपको ध्यान देना है मास क्या होता है और वेट क्या होता है. तो मास क्या है, द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वान्टिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट. ठीक है, तो मास क्या होता है कि किसी भी बॉडी में वो मैटर जो कि प्रेजेंट होता है. ठीक है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं उनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता नहीं. तो मास इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. स्केलर क्वांटिटीज की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो मास भी स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट ही होगी. जो मास आपका वाराणसी में होगा वही मास आपका मून पर होगा, वही जुपिटर पर और वही सैटर्न पर भी होगा, लेकिन वेट वेरी कर जाएगा क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी में आएगा. एस आई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. ठीक है, एस आई यूनिट क्या है, मास की किलोग्राम है. मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो. किसी भी बॉडी का मास ज़ीरो हो ही नहीं सकता, बट वेट कैन बी, वेट ज़ीरो हो सकता है. वेट के बारे में देखते हैं, द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो वो फोर्स जिस फोर्स से
अर्थ अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है उसी फोर्स को उस ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, बट इन केस ऑफ अर्थ ए इज इक्वल्स टू जी होता है, तो एफ इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। तो जो फोर्स ऑफ अर्थ है वही क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी है। तो फोर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं वेट से, तो एफ के जगह पे आप पुट कर देंगे क्या, डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। तो वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। एज वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, देयरफोर वेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसी वजह से इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, इसके कारण इसकी वैल्यू अलग अलग प्लेस पर अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम नहीं होती है, डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम जीरो इफ स्मॉल जी इज जीरो। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो हो सकता है क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो इंटू मास करेंगे तो जीरो ही रिजल्टेंट हमें मिलेगा। नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन वन के जी वाट सॉरी वेट एंड एक्सप्रेस इट इन टू न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एंड आल्सो फोर्स की न्यूटन जो होती है न्यूटन होती है, डाइन होती है। ठीक है, उसी तरह से वेट जो है, वेट इज आल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स, फोर्स ही एक तरह का है क्योंकि न्यूमेरिकली अगर दोनों की वैल्यू देखें तो सेम ही है। तो यहाँ पर वेट की जो यूनिट होती है वो आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और साथ ही साथ केजी वेट भी होता है और न्यूटन भी होता है वेट की यूनिट। ठीक है, वी नो दैट वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ मास एम इज इक्वल्स टू वन केजी एंड स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन वेट इज इक्वल्स टू वन इंटू 9.8, सो 1 केजी वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो कई बार ये रिलेशन पूछा जाता है, 1 केजी, व्हाट डू यू मीन बाय 1 केजी वेट, तो आप बताएंगे 9.8 न्यूटन। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी इज कॉल्ड 1 केजी वेट। ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का जो कि किसी 1 केजी मास के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड 1 केजी वेट। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, वेट और मास में क्या डिफरेंस है, लेट सी। मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। तो मास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कि वो क्वांटिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करता है। एंड द वेट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स बाय वेज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वेट क्या है, वो फोर्स है या फिर ग्रेविटेशनल पुल है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मास इज ए स्क्वेलर क्वांटिटी बट वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास कभी चेंज नहीं हो सकता, एज इट डिपेंड्स अपॉन द इनर्सिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इनर्सिया ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ओनली, और आप जानते हैं इनर्सिया ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन वेरी एट डिफरेंट लोकेशन बिकॉज ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वेट जो है वो अलग अलग हो सकता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग होती है। मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं सकता, वेट कैन बी जीरो, वेट जीरो हो सकता है। मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मास जो होता है वो केजी होता है और एसआई यूनिट ऑफ वेट जो होता है वो न्यूटन होता है। लेट्स सी अनदर टॉपिक, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है,
तो अभी हमने बताया वेट जो है वो अलग अलग प्लेसेस पे आपका अलग अलग हो सकता है। तो मून पर भी अगर हम देखेंगे अपना वेट तो अलग होगा, अर्थ पर अलग होगा, वाराणसी में अलग होगा, ठीक है। लेकिन मास जो होगा वो सेम होगा। मास आप किसी भी प्लेनेट पर चले जाइए, किसी भी सैटेलाइट पे चले जाइए, किसी भी प्लेस पर चले जाइए, मास आपका कभी चेंज नहीं होगा, बट वेट कैन बी चेंज। तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन मून, वो हम यहाँ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ मून। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा उसका एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी उतना ही अधिक होता है। तो मून जो है एज कम्पेयर टू अर्थ छोटा है तो उसका एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, जिसके कारण वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी मून पर कम होगा। कितना कम होगा वो हम देखते हैं। लेट्स सी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम ऑन द अर्थ एज वेल एज ऑन मून, बट वेट इज डिफरेंट। मास जो है वो दोनों जगह सेम है बट वेट जो होगा वो डिफरेंट होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्योंकि प्रीवियस इस चैप्टर का जो फर्स्ट इक्वेशन था एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपान आर स्क्वायर, तो एफ के जगह पे आप डब्ल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा वही रिलेशन है यहाँ पर। लेट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज गिवन एज, तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन किया है डब्ल्यू ई से कि ई फॉर अर्थ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर क्या वेट होगा, ठीक है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन किया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज गिवन एज, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू एम ई, एम ई फॉर मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल जी के आगे ई क्यों नहीं लिखे, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कभी चेंज नहीं होती, वो अर्थ के लिए मून के लिए सेम होगी। कैपिटल जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई मास ऑफ अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल एन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज गिवन एज, मून पे वेट देखते हैं तो डब्ल्यू एम इज इक्वल टू जी एम एम इंटू स्मॉल एम अपान आर एम स्क्वायर, ठीक है। एम यहाँ सफिक्स यूज किया है फॉर द मून, ठीक है। तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, वेट ऑफ अर्थ अपॉन वेट ऑफ मून, तो उसमें कुछ जो कॉमन है वो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं, जिसमें कैपिटल जी कैंसिल हो गया, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें मिलता है डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम अपॉन इज इक्वल टू एम ई अपॉन एम इन एम इंटू आर एम अपान आर ई का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने लिख दिया। नाउ वी नो दैट मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स द मास ऑफ द मून, मास ऑफ अर्थ जो है वो मून के मास का 100 टाइम्स है, तो हम मास ऑफ अर्थ के जगह पे 100 टाइम्स ऑफ मून लिख सकते हैं। एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो मून से 4 टाइम्स है, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 4 टाइम्स इंटू रेडियस ऑफ मून लिख सकते हैं। तो उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो आता है 6.25 या फिर 1/6 इंटू डब्ल्यू ई, यानी वेट ऑफ मून जो है वो वेट ऑफ अर्थ का 1/6 होता है। यानी कि अगर हमारा अर्थ पर वेट 60 न्यूटन है तो मून पर हमारा वेट 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि हमारे वेट का 1/6 हो जाता है मून पर। अगर हम यहाँ 1 फीट जंप करते हैं तो हम मून पर 6 फीट जंप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ की एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 1/6 है और वेट भी 1/6 है। हैंस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द, ठीक है, जो वेट जिस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर जितना होगा उसका 1/6 कर देंगे तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून आ जाएगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। और कैपलर्स लॉ कितने हैं, देर आर 3 लॉज,
उनके बारे में भी हम जानेंगे और उनके इम्पोर्टेंस को भी देखेंगे। दिस लॉ इज पॉपुलरली नोन एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। द ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट इज एन इलिप्स अराउंड द सन विथ सन एट वन ऑफ टू फोसाई ऑफ एन इलिप्स। तो देखिए जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में हमारा सन है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रोटेशन करते हैं, ठीक है, ये आप तो जानते ही हैं। बट उनका जो पाथ है वो पाथ कैसा है, सर्कुलर है, बिल्कुल गोला है? नहीं, वो इक्लिप्स शेप का है, अंडाकार है, ठीक है। कभी जो है सन जो है वो कभी नियरेस्ट होता है, कभी जो होता है वो फारदेस्ट होता है, कभी पास होता कभी दूर होता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सन है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट नहीं है। इक्लिप्स में दो फोसाई होते हैं, यानी जस्ट एज सेंटर, ठीक है, और इसका शेप जो होता है वो कुछ अंडाकार होता है, उसको अभी हम आगे आपको दिखाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर। वी नो दैट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, बट अकॉर्डिंग टू केपलर ही सेड दैट इट इज़ ट्रू दैट प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन बट नॉट इन सर्कुलर ऑर्बिट। जब तक केपलर ने नहीं बताया था तब तक लोगों का यही मानना था कि जो प्लैनेट्स रोटेशन करते हैं वो अराउंड द सन सर्कुलर करते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये ऐसा केपलर ने बताया। इट रिवॉल्व अराउंड एन इलिप्स, इन एन इलिप्स वी हैव टू फोकस, सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स जो होता है उसमें दो फोसाई होते हैं और उसी एक फोसाई पर, उन्हीं में से एक फोसाई पर सन प्रेजेंट रहता है और उसी एलिप्स पाथ पर ही सारे प्लैनेट्स रोटेशन करते हैं। ये होता है आपका एलिप्टिकल पाथ, ठीक है, जिस पे कि सन जो है वो फोसाई पर प्रेजेंट है और प्लैनेट जो है वो एलिप्टिकल पाथ पर, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेशन करते हैं। आप देख रहे होंगे, ठीक है, F1 F2 फोसाई हैं, एक फोसाई पे सन प्रेजेंट है, प्लैनेट जो है वो रोटेशन कर रहा है, तो प्लैनेट अभी जो है वो दूर है, कुछ समय बाद रोटेशन करता हुआ वो पास आ जाएगा सन का। यही कारण होता है कि वेदर चेंजेस होते हैं, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी बरसात, ये इसी के कारण होता है कि कभी हमें जब पास होंगे दूर होंगे तो ठंडी गर्मी का मौसम बनता है। केपलर सेकेंड लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या था कि ऑल द प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज प्रेजेंट एट द फोसाई ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, कि सारे प्लैनेट जो हैं वो अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेशन कर रहे हैं और सन जो है उसी इलिप्टिकल ऑर्बिट के फोसाई पर प्रेजेंट है। ये तो फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ देखिए, दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, इस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ एरिया है। द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ टाइम विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सन के कभी बहुत पास होता है प्लैनेट, कभी दूर होता है, तो रेडियस अलग अलग होता है बट उनकी एरिया जो होती है वो एक इक्वल होती है, तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया ही कवर करता है। जो प्लैनेट होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक जो है ब्रॉड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है पी के पास में, जो पी फॉर प्लैनेट जहाँ है, तो वहाँ पे आपको ब्रॉड पार्ट दिखाई दे रहा है, उसका एरिया जो है जितने समय में उस एरिया को प्लैनेट कवर करता है उतने ही एरिया ए डैश बी डैश को भी, वहाँ पे आपको थिनर पार्ट है लेकिन एरिया दोनों का सेम है, तो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है कोई भी प्लैनेट अराउंड द सन। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। थर्ड इज केपलर थर्ड लॉ ऑफ पीरियड्स, दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है, तो ये लॉ ऑफ पीरियड कहलाता है। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट, ठीक है। तो जो रिवोल्यूशन टाइम होता है, ठीक है, प्लैनेट के, उस टाइम का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द
डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो रिवोल्यूशन टाइम का स्क्वायर। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो ऑल ऑफ यू प्रिपेयर ऑल द 3 चैप्टर्स फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एंड कंप्लीट इट ऑन फेयर कॉपी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।